पहले किसमें लगाना था यार, ये शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, निकाल लीजिए, प्लग निकाल दीजिए। काफी बंद ऑन ड्यूटी हो तुम लोग। पावर की सप्लाई काट दी है, इस लाइन में सर्किट लगा उसकी सप्लाई काट दी। अफरा तफरी मच गई है। जरूरी बात आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो आपने क्लिप देखी थी वो एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट हुआ था इसी ट्रेन में, जो मैं नई दिल्ली से देहरादून के लिए शताब्दी एक्सप्रेस उसी में ट्रेवल कर रहा था, तो शॉर्ट सर्किट हुई, उसी में अफरा तफरी का माहौल है। बाकी कुछ ऐसा दुखद खबर नहीं है, सब कुछ सुखद है, अच्छा है और सब लोग यथाउचित अपनी जगह पे हैं। बस थोड़ा घबराहट हो जाती है, ऐसा कभी होता है अलार्म अचानक से बजने लगा एंड रैंडमली स्मेल आने लगी वायर चलने की, तो ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ है, फिर लोगों में थोड़ा डर का भय का माहौल हो गया है। लेकिन अभी जो है वो पूरा सब शांत है और हम एक दो स्टेशन आगे भी बढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल शॉर्ट सर्किट थी जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा भय का माहौल हुआ। अब सब कुछ नॉर्मल है, लोग अपनी सीट पर यथाउचित बैठ चुके हैं और अब अच्छी जर्नी है, यात्रा हमारी लोगों की मंगलमय हो रही है आपकी वजह से। बाकी हरिद्वार कुंभ हम लोग पहुंच रहे हैं और बहुत सारा वीडियो आपके लिए, आज हम कुंभ में रुकेंगे, देखेंगे अगर कुछ अच्छा कंटेंट मिला तो हम दो चार दिन और रुकने की कोशिश करेंगे, अन्यथा हम लोग वापस दिल्ली आ जाएंगे और बिहार का ट्रिप प्लान करेंगे। अभी सुखद खबर यह है कि ट्रेन चल रही है, 11:30-12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार, और घर से स्नान करके नहीं निकले हैं, हरिद्वार में गंगा स्नान होगा आज, काफी दिनों काफी वर्षों बाद गंगा में आज डुबकी लगेगी। दूसरी बात की ट्रेन से जुड़ी ये खबर थी और वो आपको बता दी है कि सब कुछ अभी नॉर्मल है, बस एक शताब्दी में नॉर्मल सा शॉर्ट सर्किट हुआ, अलार्म बजा और इसके बाद भय का माहौल, लोगों में अफरा तफरी और इसके बाद अब सब कुछ ठीक है। तो बने रहिए ब्लॉग वीडियो के साथ और चैनल पे बहुत सारे कंटेंट भी आने वाले हैं हरिद्वार से रिलेटेड, तो जाइएगा नहीं, देखते रहिए, अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं था रवि भट्ट और आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ अयोध्या। इस वक्त मैं शताब्दी में हूँ, नई दिल्ली से देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस, और बस शुभकामनाएं आप सभी को, शुभ प्रभात, शुभकामना, आप अपना ध्यान रखिए, नम्रता के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, धन्यवाद।